दोस्तों हम सबको पता है कि मिलजुल कर कार्य करने से, परिश्रम करने से हमारा जो कार्य देता है, चाहे वो कौन सा भी क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो, वो आसानी से सफल हो जाता है और उसके साथ साथ हमारा विकास हो जाता है, हमारे परिवार का विकास हो जाता है, हमारे बस्ती का विकास हो जाता है। हमें पता है किसी एक गांव के लोग इकट्ठा आते हैं और वे अपने बस्ती का विकास करने हेतु सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं, और जब वे मिलजुल कर कार्य करते हैं, एक मन से, एक दिल से कार्य करते हैं, तब उनका कार्य सफल हो जाता है और उस बस्ती का विकास हो जाता है। और जैसे ही उस बस्ती का विकास हो जाता है, तब आजू बाजू के बस्ती वाले कहते हैं, अरे वाह वाह, क्या उन लोगों ने कार्य किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इसका मतलब यह है कि उनका जो विकास होता है, वो विकास सभी ओर फैल जाता है, सभी लोग देखते हैं और सब लोग उन्हें वाह वाह कहते हैं, बहुत अच्छा कार्य किया। कहने का मतलब यह है कि उनका जो विकास रहता है, उस विकास की प्रसिद्धि अपने आप चारों ओर फैल जाती है, सभी ओर चमकने लगती है, उनका नाम सभी ओर फैल जाता है। दोस्तों यही बात जो है, जो परिश्रम हमें बता दे, परिश्रम क्या है, परिश्रम हमें क्यों करना है, परिश्रम करने से क्या होता है, परिश्रम के लाभ क्या है, परिश्रम हमें क्यों करने चाहिए, ये सारी जो बातें हैं, ये आज हम अपने एक पद्य से देखने वाले हैं और उस पद्य का नाम है कलश अपने आप चमकेगा। गजेंद्र सोलंकी ने लिखा हुआ पद्य कलश अपने आप चमकेगा। देखिए पद्य को हम देखते हैं, मिलजुल कर परिश्रम करके बड़े से बड़ा कार्य सफलता से कर सकते हैं। इससे न सिर्फ हमारा बल्कि पूरे समाज का कायाकल्प होता है। इस कविता में यही संदेश दिया है कि परिश्रमशील बनो। परिश्रम करने से ना ही सिर्फ हमारा विकास होगा, उसके साथ साथ हमारे बस्ती का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। इसलिए हमें क्या करना महत्वपूर्ण है, परिश्रम करना महत्वपूर्ण है। जो लोग परिश्रम करते हैं उनका विकास हो ही जाता है। देखिए आज यह एक भव्य इमारत खड़ी है, ये इमारत किस पर खड़ी है, इस इमारत के जो नीचे के पत्थर है, जो नीव के पत्थर, उन्हें नीव कहा जाता है, जो नीव के पत्थर है, उन पत्थरों पर खड़ी है, उन पत्थरों में इस पूरे इमारत का बोझ उठाया है। इसलिए यह इमारत पूरे खेल शहर में चमक रही है, हमें पूरे देश में फैल चुका है। देखिए बन सको यदि मित्र नीव के प्रस्तर बनो, बन सको यदि मित्र नीव के प्रस्तर बनो, देखना फिर मानवी अस्तित्व का कलश अपने आप चमकेगा। यहां पर गजेंद्र सिंह सोलंकी हमें बताना चाहते हैं कि अगर हमें किसी का मित्र भी बनना है, अगर हमें किसी का दोस्त भी बनना है, तो किसके जैसे बनो, नीव के प्रस्तर जैसे बनो। प्रस्तर, प्रस्तर यानी क्या,
मानवीय अस्तित्व। मानवीय अस्तित्व यानी मानवीय अस्तित्व का होना या मानवता का होना। यहां पर कवि राजेंद्र सिंह सोलंकी हमें बता रहे हैं कि बन सको यदि मित्र न्यू के प्रस्तर बनो, देखना फिर मानवीय अस्तित्व का कलश अपने आप चमकेगा। हमें पता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए परिश्रम की जरूरत होती है, परिश्रम किए बिना उसमें हमें सफलता नहीं मिलती। यहां पर कवि गजेंद्र सिंह सोलंकी भी हमें यही बता रहे हैं कि अगर आप परिश्रम करना चाहते हैं, अगर आप किसी का मित्र भी बनना चाहते हैं तो किसके समान बनो, न्यू के प्रस्तर समान बनो। क्यों ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि न्यू का प्रस्तर जो है, न्यू का पत्थर जो अपने आप को किसी इमारत के नीचे सौंप देता है, खुद को गड़ा उगाड़ देता है, उस पत्थर को न्यू का पत्थर कहा गया है दोस्तों। जो अपने आप को नीचे रखता है और ऊपर बहुत बड़ा भार उठाता है, उस पत्थर को न्यू का पत्थर कहा गया है। कवि गजेंद्र सिंह सोलंकी भी हमें यही बताना चाहते हैं कि अगर हम मित्र बनना चाहते हैं तो न्यू के प्रस्तर यानी न्यू के पत्थर के समान हमें मित्र बनना है। उसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं ये बोल उठाऊंगा लेकिन उसके बदले में मुझे ये चाहिए, ऐसी सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। अगर हमें किसी की मदद करनी है तो हमें किस प्रकार करनी है? बिना स्वार्थ से करनी है, उसमें हमें हमारा स्वार्थ नहीं देखना है। इसलिए गजेंद्र सिंह सोलंकी हमें यहां पर बताना चाहते हैं कि अगर हमें किसी का मित्र भी बनना है तो किसके समान बनना है? न्यू के प्रस्तर के समान बनना है, न्यू के पत्थर के समान बनना है। उसमें फल की अपेक्षा हमें नहीं रखनी है। बन सको यदि मित्र न्यू के प्रस्तर बनो, देखना फिर मानवीय अस्तित्व का कलश अपने आप चमकेगा। तब क्या हो जाएगा? मानवता, मानवतावादी दृष्टिकोण जो हम कहते हैं, सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे, मानवतावादी दृष्टिकोण से रहेंगे, एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। कब? जब हम बिना स्वार्थ से कोई काम करेंगे, तब जब हमारे अंदर परिश्रम चिंता होगी, तब जब हमारे अंदर किसी को मदद करने की भावना होगी, तब। बन सको यदि मित्र न्यू के प्रस्तर बनो, देखना फिर मानवीय अस्तित्व का कलश अपने आप चमकेगा। चाहते निज भारत उन्नत बनाना, चाहते निज भारत उन्नत बनाना। देखो यहां पर गजेंद्र सिंह सोलंकी हमें बता रहे हैं निज, निज यानी अपना, स्वयं। निज यानी अपना या स्वयं। चाहते निज भारत, भाल यानी मस्तक, भाल यानी मस्तक। चाहते निज भारत उन्नत बनाना, चाहते हर दान को खुशियां बिताना, चाहते यदि फासलों को पास लाना और हर पीर में हिस्सा बताना, तो उठो देखो उधर अटकी पड़ी है जाह्नवी, सिमटी जटाओं में, सिमटी जटाओं में। देखो यहां पर गजेंद्र सिंह सोलंकी हमें बता रहे हैं कि चाहते निज भारत तुम उन्नत बनाना, अगर आपका मस्तक, आपका शीर ऊंचा
खुशियां देना चाहते हैं, अगर आप एक दूसरे में, एक दूसरों के बीच में जो दूरियां हैं उन दूरियों को समाप्त करना चाहते हैं, चाहते हैं जो भारत को उन्नत बनाना, अगर आप आपका मस्तक ऊंचा उठाना चाहते हैं, अगर आप आपके बस्ती का विकास करना चाहते हैं, चाहते हर प्राण को खुशियां लुटाना, अगर आप हर एक प्राण को, हर एक प्राणी मात्र को खुशियां देना चाहते हैं, चाहते यदि फासलों को पास लाना, हर एक आदमी के बीच में जो दूरियां हैं, जो परस्पर विरोध की भावना है, उस परस्पर विरोधी भावना को आप दूर करना चाहते हैं, चाहते यदि फासलों को पास लाना, दूरिया समाप्त करके उनको अगर आप पास में लाना चाहते हैं, और हर पीर में हिस्सा बटाना, अगर आप प्राणी मात्र के हर एक पीड़ा में, पीड़ा कष्ट, चाहते हैं जो भारत को उन्नत बनाना, चाहते हर प्राण को खुशियां लुटाना, चाहते यदि फासलों को पास लाना और हर पीर में हिस्सा बटाना, तो उठो। गजेंद्र सिंह सोलंकी अब यहां पर बता रहे हैं कि अगर आप ये सब कार्य करना चाहते हैं, अगर आप आपके बस्ती का विकास करना चाहते हैं, अगर आप हर एक प्राणी को खुशियां देना चाहते हैं, अगर आप हर एक आदमी के बीच में जो दूरियां हैं उन दूरियों को समाप्त करना चाहते हैं और उनके हर एक पीड़ा में हिस्सा बटाना चाहते हैं, उनकी पीड़ा अगर आप दूर करना चाहते हैं, तो यहां पर गजेंद्र सिंह सोलंकी हमें बता रहे हैं, तो उठो, जागृत हो जाओ। तो उठो, देखो उधर अटकी पड़ी है जाह्नवी सिमटी जटाओं में, तो उठो, खुद को जागृत करो और देखो उधर अटकी पड़ी है जाह्नवी सिमटी जटाओं में। जाह्नवी, जाह्नवी किसे कहा गया है? गंगा को, गंगा नदी को। सिमटी जटाओं में अटकी पड़ी है कौन? जाह्नवी। उसे क्या करना है? पास में लाना है। जाह्नवी यानी नदी, गंगा नदी। हाँ, अगर हमें हर एक का दुख दूर करना है, हमें हर एक को खुशियां देना है, तो हमें क्या करना है? खुद को जागरूक करना है, उनके कष्ट, उनकी पीड़ा दूर करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। जो सिमटी जटाओं में जो गंगा अटकी पड़ी है, उसे हमें क्या करना है? पृथ्वी पर लाना है। पहचानो स्वयं को, विस्मृति न हो, तुम सगर के पुत्र हो अमर। तुम किसके पुत्र हो? राजा सगर के पुत्र हो। राजा सगर के पुत्र भगीरथ, उन्होंने क्या किया था? जो ऋषि मुनियों ने अपने जटाओं में, महादेव ने अपने जटाओं में गंगा को पकड़ रखा था, बांध कर रखा था, तो राजा सगर के पुत्र जो है भगीरथ, उन्होंने क्या किया था? घोर तपस्या से महादेव यानी शंकर को प्रसन्न करके वो जो गंगा थी, वो गंगा कहाँ लाई थी? पृथ्वी पर लाई थी और सभी को खुशियां बांटी थी। सब प्यासे थे, उनकी प्यास बुझाई थी परिश्रम के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से। उसी प्रकार यहां पर गजेंद्र सिंह सोलंकी भी हमें यही बता रहे हैं कि अगर हम हर एक प्राण को खुशियां देना चाहते हैं, उनकी पीड़ा में हिस्सा बटाना चाहते हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए? परिश्रम करने चाहिए। और उस परिश्रम के साथ साथ ही क्या हो जाएगा? उन्हें खुशियां मिलेगी, उनकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? मानवीय अस्तित्व का कलश धीरे 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 क्या हो जाएगा? चमकने लगेगा, मानवीय अस्तित्व का कलश। तो देखो उधर अटकी पड़ी है जाह्नवी सिमटी जटाओं में, मानवता, मानव रूपी गंगा, मानवता रूपी गंगा उधर अटकी पड़ी है,
तो हमें क्या करना चाहिए, उस मानवता रूपी गंगा को आगे लेकर आना चाहिए और सब में प्यार बांटना चाहिए, परोपकार की भावना रखते हुए परिश्रम करने चाहिए। पहचानो स्वयं को, विस्मृति न हो, तुम सगर के पुत्र हो अमर। तुम किसके पुत्र हो? राजा सगर के पुत्र। कौन? भगीरथ। राजा सगर के पुत्र का नाम क्या है? भगीरथ। पहचानो स्वयं को, विस्मृति न हो, तुम सगर के पुत्र हो अमर। हिम्मत न हारो कदापि, जीत तुम्हारी होगी तथापि। यहां पर गजेंद्र सिंह सोलन जी आगे बता रहे हैं कि आप हिम्मत ना हारो, चाहे आपके सामने कौन सा भी संकट क्यों ना आए, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, उस संकट का आपको सामना करना है। और सामना करते हुए हमें हमारी मंजिल की ओर पहुंचना है। अगर हम डर गए उन तूफानों को, हम डर गए तो क्या हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। गजेंद्र सोलन जी हमें यही बता रहे हैं कि परिश्रम करो, कष्ट करो, हिम्मत ना हारो, खुद को पहचानो कि आप कौन हैं, आपके बहुत सारी ताकत है, बहुत सारी शक्ति है, सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ाओ। आत्मविश्वास ऐसी इस दुनिया में दोस्तों दूसरी दैवी शक्ति नहीं है। जिसके अंदर जितना आत्मविश्वास है उसके अंदर उतनी ही दैवी शक्ति है। इसलिए गजेंद्र सिंह सोलन जी हमें भी यही बता रहे हैं कि खुद को पहचानो, खुद को पहचानो पहले कि मैं क्या कर सकता हूं। अगर आपने आपका आत्मविश्वास बढ़ाया, ढाढ़स को बढ़ाया, तो आपका आत्मविश्वास आपको यह कहलाएगा कि अरे बैठे क्यों हैं आप, उठो, जागृत हो जाओ, देखो वो काम आपको करना है, ये काम आपको करना है। तो आपके सामने चाहे कौन सी भी परेशानी क्यों ना आए, कौन सा भी संकट क्यों ना आए, आप नहीं डरेंगे, आप उस संकट का सामना करके ही रहेंगे। पहचानो स्वयं को, विस्मृति न हो। विस्मृति यानी भूलना, विस्मृति यानी क्या? भूल जाना। पहचानो स्वयं को, विस्मृति न हो, तुम सगर के पुत्र हो अमर। हिम्मत न हारो कदापि, जीत तुम्हारी होगी तथापि। जैसे कि राजा सगर के पुत्र भगीरथ, उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी थी और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी इसलिए उन्होंने क्या किया, गंगा को इस पृथ्वी तल पर लाया, इस पृथ्वी स्थल पर लाया और सभी प्राणी मात्रा को खुशियां ही खुशियां दी। पहचानो स्वयं को, विस्मृति न हो, तुम सगर के पुत्र हो अमर। हिम्मत न हारो कदापि, जीत तुम्हारी होगी तथापि। हां, एक होकर बल भगीरथ तुम लगाओ जोर, एक होकर बल भगीरथ तुम लगाओ जोर, गंगा उसी भूतल पर बहेगी। यहां पर गजेंद्र सिंह सोलन जी आगे बता रहे हैं कि आप ऐसे ही घर में बैठने से कोई कुछ नहीं होगा, कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, सबको मिलजुल कर एक साथ आना है और मिलजुल कर कार्य करना है, चाहे वह कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, उस कार्य को आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। और वह कार्य पूरा होने के बाद क्या होगा, सभी और आपकी बस्ती की चर्चा होगी, वाह क्या कार्य किया है इन बस्ती वालों ने, बहुत ही अच्छा कार्य किया है, सभी लोग इस प्रकार की चर्चा करेंगे और उसे क्या हो जाएगा, आपके बस्ती का नाम सभी और फैल जाएगा, सभी और चमकने लगेगा, उससे क्या हो जाएगा, आपका उस बस्ती के जो लोग हैं, जो मानव हैं, उन मानव का, उन लोगों के अस्तित्व का कलश अपने आप चमकने लगेगा। हमारे पते का नाम है कलश अपने आप चमकेगा। कब चमकेगा? जब हम एक साथ आकर कौन सा भी महान कार्य करेंगे तभी मानवतावादी मानव के अस्तित्व का कलश अपने आप चमकेगा।
और परिश्रम करके सामने जो कठिन कार्य है उस कठिन कार्य को पूरा करना है। देखिए, पहचानो स्वयं को, विस्मृति न हो, तुम सगर के पुत्र हो अमर, हिम्मत न हारो कदापि, जिद तुम्हारी होगी तथापि, हाँ एक होकर बन भगीरथ तुम सब एक हो जाओ, हाँ एक होकर बन भगीरथ तुम लगाओ जोर, गंगा औसी भूतल पर बहेगी। मानवतावादी गंगा, प्रेम की गंगा, मानवतावादी दृष्टिकोण की गंगा, एक दूसरे के मेलजोल की गंगा, जब इस पृथ्वी स्तर पर बहने लगेगी तब क्या होगा, सभी लोग एक दिन से एक मन से रहेंगे और अपना विकास करते जाएंगे और उस बस्ती का कलश अपने आप चमकता जाएगा। देखिए, हाँ एक होकर मन भगीरथ तुम लगाओ जो गंगा उसी भूतल पर बहेगी। अगर जब गंगा भूतल पर बहने लगेगी तब क्या क्या हो जाएगा, देखो तब खेत लहर लहर लहता आएंगे, खलिया रहर रहर गीत गाएंगे। देखो जब ये गंगा इस पृथ्वी पर बहने लगेगी तब तब इस पृथ्वी के जो खेत है वे लहर आएंगे, मतलब खुशियां ही खुशियां आएगी, हाँ इस पृथ्वी तल पर खुशियां ही खुशियां आएगी, खलिहान रहर रहर गीत गाएंगे। खलिहान यानी खेती रखने की जगह, हाँ जहां फसल काटकर रखी जाती है। खलिहान रहर रहर गीत गाएंगे, आओ
जब आप कष्ट करेंगे, जब आप परिश्रम करेंगे, तब उस परिश्रम के माध्यम से क्या हो जाएगा, खेत लहलहाने लगेंगे, खलिहानों से गीत सुनाई देंगे, परिश्रम के साथ साथ नवनिर्माण हो जाएगा। जब आप सब सब जुट जाओगे तब इस धरती को, इस ये जो धरती है, ये धरती और भी सुंदर बन जाएगी और मानवता का जो कलश है वो कलश क्या हो जाएगा, अपने आप चमकने लगेगा। दोस्तों यदि बन सको नींव के प्रस्तर बनो, अगर आपको बनना भी है, अगर आपको अच्छा कुछ करना ही है तो किसके समान करो, नींव के प्रस्तर के समान करो, जो अपना स्वार्थ नहीं रखता, जो अपना स्वार्थ बिल्कुल नहीं रखता, उसी प्रकार नींव के प्रस्तर के समान बनो, मजबूत बनो। यदि बन सको नींव के प्रस्तर बनो, देखना फिर मानवीय अस्तित्व का कलश अपने आप चमकेगा। यदि तुम नींव के प्रस्तर के समान बन जाओगे तो ये जो मानवता रूपी जो भवन है, ये जो मानवता रूपी जो भवन है, इस मानवता रूपी भवन का कलश अपने आप चमकेगा। कहने का मतलब यह है कि जब हम परिश्रम करते हैं तब हमारा तो विकास हो ही जाता है, हमारे परिवार का विकास हो जाता है, हमारी बस्ती का विकास हो जाता है, और वह विकास, उस विकास की खबर जब चारों ओर फैल जाती है तब क्या हो जाता है, हमारा जो कलश है वो अपने आप चमकने लगता है। मतलब सभी लोग यही बोलते हैं कि वाह, क्या कार्य किया है, क्या काम किया है उस बस्ती वालों ने। इसे ही कहा गया है कि इस मानवता मानवीय कलश अपने आप चमकेगा, कलश अपने आप चमकेगा। जब भी कोई अच्छा कार्य करता है तब उसके उसने किए हुए कार्य का कलश अपने आप चमकने लगता है, उसको खुद को उसे चमकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि आज अपने रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूल, यह एक छोटे से शहर में बसी हुई है, इस खेल के कुछ हमारे ट्रस्टी मेंबर्स है जो संचालक मंडल के सदस्य हैं, वे एक होकर उन्होंने क्या किया है, इस रोटरी स्कूल का निर्माण किया है। और जब उन्होंने इस रोटरी स्कूल का निर्माण किया है तब से इस खेल शहर का नाम पूरे भारत देश में फैल गया है। वाह वाह, इस रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूल कहाँ है, खेल शहर में है। कहने का मतलब यह है कि खेल शहर का नाम पूरे भारत देश में चमकने लगा है, बराबर है, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये जो आज का पद्य है, कलश अपने आप चमकेगा, यह कलश ये पद्य यहां पर समाप्त हो गया है। और इसके बाद इसके ऊपर जो सवाल है उन सवालों के जवाब दोस्तों आपको देखना है। धन्यवाद।